गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है बेटा? यस और नो मुझे जवाब दे एक बारी। तो मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, वो दो क्वेश्चन तो मैं क्लास एंड में कराऊंगा, ठीक है? प्लस अब मैं एप्लीकेशन ऑफ मोर कंसेप्ट चालू कर रहा हूँ, ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट की तरफ। एक बात और, वो बात ये है कि आपके ग्रुप पे मैंने DBP 1 डाल दिया, ठीक है? आप वहां से देख सकते हैं, मैंने आपके ग्रुप पे DBP 1 डाल दिया, आप उसको सोल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बेटा? मैं धीरे धीरे डिस्कशन लेता रहूंगा उनका, आप DBP 1 सोल्व करना शुरू कर दीजिए। चलो, तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ मोर कंसेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ मोर कंसेप्ट, ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ मोर कंसेप्ट, मोर कंसेप्ट की एप्लीकेशन, ठीक है? मोर कंसेप्ट की एप्लीकेशन। तो केस 1 है, ठीक है? फोर सोल्व, पहले एक बात लिख लें, फोर सोल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मोर कंसेप्ट, फोर सोल्विंग, अब केमिकल इक्वेशन बेस्ड कर रहा हूं, फोर सोल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मोर कंसेप्ट, कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है? मोर क्या बेटा, आवाज क्लियर आ रही है सबको? इट्स साउंड क्लियर? बताए बेटा, क्या आवाज क्लियर है? यस सुनो, चलो ठीक है। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ मोल कंसेप्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे ये देखे, जैसे एक इस इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं, N2+H2 गिव्स NH3, ठीक है? N2+H2 गिव्स NH3। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले नाइट्रोजन बैलेंस करो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन से 6 हाइड्रोजन है, तो इधर रखती है, ठीक है? तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है? बाद में ब्रैकेट में गैसियस ये भी लिखते हैं, फिजिकल स्टेट, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल
दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? क्या बच्चे क्लियर है? ठीक है, और नाउ इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम तीन तरह की स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं, ठीक है? तो पहला लिखे N2+3H2 gives 2NH3। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मोल देखना, ये जो आगे होते हैं ना कोफिशिएंट, ये इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इस पे कुछ नहीं तो वन है, स्टोइकियो ठीक है। जैसे अगर मैं ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस बी बी, ठीक है ना, ये ए हो गया, ए बी सी डी छोटे वाले, ये सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होता है? वन। अगर यहां पे कुछ मेंशन नहीं है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? वन। नाउ ए इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, B is stoichiometric coefficient of B, C is stoichiometric coefficient of C, D is stoichiometric coefficient of D. 1 is stoichiometric coefficient of N2, 3 is stoichiometric coefficient of H2, 2 is stoichiometric coefficient of NH3. क्या बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? Is it clear up to here? क्या बेटा ये यहाँ तक बात क्लियर है सबको? Yes or no? ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें, डन भेजे, फिर मैं आगे एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ केस वन से। डन लिख बेटा, लिख लिया? डन बोले फटाफट। केस वन है, जब अमाउंट मोल और वॉल्यूम केस फर्स्ट, व्हेन अमाउंट मोल एंड वॉल्यूम ऑफ ओनली वन सब्सटेंस इज गिवन, ऑफ ओनली वन सब्सटेंस इज गिवन, एक सब्सटेंस के गिवन, ठीक है ना? तो बेटा मान लीजिए ये तीन तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए ए ए गिव्स बी बी प्लस सी सी, इसको भी और सिंपलीफाई करते हैं, सीधा ये एग्जांपल नहीं लेते, अपन लेते हैं 2HI गिव्स H2 plus I2. No, stoichiometric coefficient of HI is 2. Stoichiometric coefficient of H2, nothing is mentioned than 1. I2 is 1. ठीक है? तो हम तीन तरह से लिख सकते हैं stoichiometric के बेस में, ये stoichiometric start होगी, ठीक है? इसके दो मोल, इसका एक मोल से, इसके दो मोल जब रिएक्ट करते हैं तो इसका एक मोल बनता है और इसका एक मोल। ये मैंने कैसे लिखा? शुरू में इसके दो मोल थे, ये खत्म हो गए, ठीक है? ये कुछ नहीं था, स्टार्टिंग थी रिएक्शन की। जब इसके दो मोल खत्म हो गए तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने बनेंगे, इसका एक मोल बनेगा, इसका भी एक मोल बनेगा।
जब इसके बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इतने 2 मोल खत्म होंगे तो इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर इसका 2 भी वॉल्यूम था और इनका कुछ नहीं था, जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका वी बनेगा, इसका वी बनेगा। क्या बेटा मेरी बात समझे? सब गैस के फॉर्म में ले रहा हूं यहां। तीसरा तरीका है जब इनके 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, सबसे पहले मोल की फॉर्म में, फिर वॉल्यूम की फॉर्म में, लास्ट तरीका है जब इसके 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा, एक तो ये 3 तरीके हैं। पहला है आपका मोल की फॉर्म में, दूसरा है आपका वॉल्यूम की फॉर्म में, एंड तीसरा है आपका मॉलिक्यूल की फॉर्म में। स्टोइकोमेट्री बेस्ट बनते हैं, इसका 2 मोल है तो इसका 1-1 बनेगा, इसका 2 वॉल्यूम खत्म हुआ तो इसका वी भी बनेगा, 1-1 है ना, तो वी भी, इसके अगर 2 मॉलिक्यूल खत्म हुआ तो इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। यहां तक आप लिखे, फिर मैं आगे बताता हूं धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे एडवांस करते हैं। दिख गया बेटा? तो 3 तरीके हैं मोल, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में, बाकी मोलर वेट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम मोल्स, मोल से ही कन्वर्जन होता है, ठीक है। हाँ बेटा, ये रेशो वाइज मान लो तो भी है, क्या बेटा हटा लो इसको, केस वन में पहला है व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज गिवन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज गिवन, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट गिवन हो, ठीक है, देन देयर इज नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, देयर इज नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ये आगे पता लगेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ये बेटा आगे पता लगेगा। ठीक है, रिएक्टेंट साइड गिवन है तभी मैं प्रोडक्ट के बता रहा हूँ, सिंगल रिएक्टेंट का गिवन है, ठीक है, तब बता रहा हूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, चलो ठीक है। तो मेरे पास में मान लीजिए 5A gives 3B plus 2C, स्टोइकोमेट्री बेस्ड मोल में क्या लिख सकते हैं, इसके 5 मोल अगर खत्म होंगे तो इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा बेटा, स्टोइकोमेट्री बेस्ड इसका 3 मोल बनेगा और इसका कितना बनेगा, इसका अगर 5 मोल खत्म होगा तो इसके 3 मोल बनेंगे, इसके 2 मोल, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 5A gives 2B plus 3C, 5A gives 3B plus 2C,
अब उसने आपको मोल चेंज कर दिए, गिवन मोल है 10, ए के आपने 10 मोल दिए, तो मुझे बताना है आपको बी के कितने बनेंगे, सी के कितने बनेंगे। तो तरीका देखना है, थोड़ी तरीका देखना, आप क्या करोगे बेटा, एक मोल से निकालोगे कितने बनेंगे। आप बेटा ये गिवन है 10, लेकिन आप पर मोल निकाल लो कितने बनते हैं। वैसे स्टोइकोमेट्री से देखो तो इसके 5 मोल से बनने चाहिए, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल, है ना। जब ये 5 मोल पूरे खत्म हो जाते हैं तो ये 3 मोल बनता है या 2 मोल बनता है, जब ये पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर बेटा 1 मोल, 4 मोल खत्म हुए, 1 मोल से कितने बनेंगे, 1 मोल 5 मोल से बनते हैं, बी के 3 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/5 मोल, ठीक है। और सी के कितना बनेंगे, 5 मोल से बनते हैं 2 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2/5 मोल। क्या बेटा दोनों बातें क्लियर है, क्या बेटा दोनों बातें क्लियर है, यस और नो। आपको देखना 5 मोल से बनते हैं 3 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा, बी का कोफिशिएंट ऊपर बाय ए का नीचे, 3/5। क्या बेटा ये बात क्लियर है आपको, यस और नो। 5 मोल से बनते हैं 2 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2/5, सी का कोफिशिएंट ऊपर बाय ए का नीचे। इज इट क्लियर, यस और नो, समझ रहे हैं सब। तो बेटा करना क्या होता है, पर मोल अगर निकालनी हो तो फिर बेटा आप लास्ट में 10 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से निकालने का फायदा क्या बेटा, 1 मोल से 3/5 बनता है, तो जितने भी मोल गिवन हो सब से निकाल सकते हैं। 1 मोल से इतना बनता है तो 10 मोल से कितना बनेगा, जब ये खत्म हो जाएंगे, 1 मोल से बनता है 3/5 10 से बनेगा, 1 मोल से बनता है 2/5 तो 10 से कितना बनेगा, 11 दे रखा हो, 12 दे रखा हो, 15 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, 1 मोल से कितना बनता है वो निकाल लिया, तो बेटा बाकी निकल ही जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मोल, ये योर आंसर ऑफ दिस, ठीक है ना। बी के 6 मोल बने, सी के 4, वैसा बिल्कुल सिंपल है, देखते ही पता लग रहा है, 5 मोल से बनते हैं 3 मोल, तो 10 मोल से 6 मोल ही बनेगी, ठीक है, देखते ही पता लग रहा है, बट कोई बात नहीं, एक बार समझाना था तो पूरा समझा दिया। क्या बेटा मेरी बात समझो, इसको लिख कर डन बोलने, मैं 3-4 क्वेश्चन उड़ दे रहा हूं। बेटा मोल में भी कर सकते हैं, मोलिक्यूल में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ मोलिक्यूल में क्यों कर सकते हैं या वॉल्यूम में क्यों कर सकते हैं, वो एक दो क्वेश्चन और बनाने के बाद मैं बता रहा हूँ। अगर मोल में रिलेशन वैलिड है तो मोलिक्यूल में ऑलरेडी हो गए, मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे बेटा, वो लास्ट में मैं कराऊंगा ना, क्लास के एंड में होमवर्क में जो दिए थे मुझे याद है, क्लास के एंड में कराऊंगा। हटा दो बेटा इसको स्क्रीन से, डन बोले। तो सुने मेरी बात, अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको और दूं, जैसे 2a gives 3b plus 4c, नौ लिसन, अगर इसके मैं दूं 2 मोल, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, तो ये तो सिंपल रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मैंने 5 मोल, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पर मोल निकालनी है रिएक्शन। देखो बेटा स्टोइकोमेट्री देखो, 2 मोल से कितने बनते हैं, 3 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा, जिसके निकालने हैं उसका कोफिशिएंट ऊपर बाय जिससे निकालने हैं, जिसके गिवन मोल है उसका कोफिशिएंट नीचे, स्टोइकोमेट्री,
दो मोल से बनते हैं तीन मोल, तो एक मोल से कितना बनेगा, थ्री बाय टू, ठीक है, इंटू, तो पांच मोल से कितने बनेंगे, थ्री बाय टू इंटू फाइव, तो पंद्रह बटा दो विच इज 7.5, ठीक है। इसके देखो स्टोइकोमेट्री देखो, दो मोल से बनते हैं चार मोल, तो एक मोल से कितना बनेगा, चार बटा दो, ठीक है। इस कारण पांच मोल से कितना बनेगा, चार बटा दो इंटू पांच, तो एट बाय फाइव, एट चार दो चार चार दस मोल। तो दीज आर योर आंसर्स। क्या बच्चे समझ पाए, गैस सुन लो, क्या बेटा समझ पाए यहां या नहीं, सब बच्चे जवाब दे बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट करे तो पूछ ले, सब बच्चे जवाब दे, समझ गए, ठीक है। तो बेटा करना क्या है, नंबर ऑफ मोल ड्राइव्ड सब्सटेंस के एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ड्राइव्ड मतलब जिसके निकालने, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ड्राइव्ड सब्सटेंस जिसके निकालने बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन जिससे निकालने इनटू नंबर ऑफ मोल्स उसके जितने गिवन। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं बता रहा हूं बेटा कोई दिक्कत नहीं, एस सी का मतलब यहाँ पे है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे यही देखे मैं सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे 2a gives 3b plus 4c, सीधा करना है मुझे, अगर इसके पांच मोल गिवन है मुझे b के निकालने हैं, तो स्टोइकोमेट्रिक, धृति बेटा एक मिनट रुको, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट b का ऊपर रखो, जिसके निकालने वो ऊपर रखना, जिससे निकालने इसके गिवन मोल है तो इससे तो निकाल दोगे, बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे इनटू गिवन मोल पांच आ गया। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ड्राइव जिसका निकालना है, जिससे निकालना उसका नीचे इनटू गिवन मोल, इसका निकालना तो इसके कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना उसका नीचे इनटू गिवन मोल, सीधा आ गया। क्या बेटा मेरी बात समझे, बेटा स्टोइकोमेट्रिक रेशो के हिसाब से ही बनता है प्रोडक्ट भी, क्या मेरी बात समझ गए धृति, क्या मेरी बात समझो बेटा, मना मैं एक बार और बताता हूं मैं आपको, आप इसी तरह लिख ले, पांच छह क्वेश्चन और कराता हूं मैं, फिर आगे बढ़ेगा। यहां तक लिखो डन बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं। हटा दो बेटा, चलो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको दे रखा है 9a gives 8c plus 2d plus 3, मुझे इसके दे रखे हैं 81 मोल, बाकी के आप निकालते हैं, ठीक है, b c और d के। तो अब कुछ नहीं करना बेटा, जिसके निकालने हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर भाई, जिससे निकाल लिया वो नीचे, तो ए के एक मोल से बनेंगे इतने मोल, सी के आठ बटा दो, तो गिवन मोल से मल्टीप्लाई कर दे आपका आंसर आ गया। मैंने करा क्या है, नाइन मोल से बनते हैं एक मोल, तो एक मोल से कितना बनेगा, एट बाय नाइन, जिसका निकालना उसका कोएफिशिएंट ऊपर भाई, जिससे निकालना उसका नीचे इनटू गिवन मोल,
क्या मनन बेटा क्लियर हुआ? क्या मनन बेटा क्लियर हुआ? यह सुन लो, चलो जैसे डी के निकालने तो डी का कोफिशियंट ऊपर बाय ए से निकालने तो ए का नीचे इनटू 81। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है देख लो, 9 मोड से 2 मोड होता है, 8 मोड से 2 बटा 9 81 देख लो। ई के निकालने तो 3 बटा 9 इनटू 81, तो बस सोल्व कर ले। तो सी के आएंगे 72 मोल, डी के आएंगे 18 मोल, मोलिक्यूल में भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये कैसे मोल की रेशो मोलिक्यूल में भी वैलिड है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतना लिखो, मैं आप मोलिक्यूल के टर्म्स में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखो, मैंने एक रिएक्शन ली थी N2+3H2 gives 2NH3। तो अगर इसकी मैं स्टोइकोमेट्री लिखूं तो इसका एक मोल इसके 3 मोल से जब रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, यही है। ये लिखने में तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये लिखने में बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अरे मुझे बताएं यस और नो। तो ठीक है, तो आगे क्या बनना, आगे क्या करना बेटा, एक मोल में कितने मोलिक्यूल, अगर मैं इसको ले जाऊं मोलिक्यूल की टर्म में, एक मोल में एनए मोलिक्यूल तो टोटल मोलिक्यूल कितने हो गए 1 × 2 NA, 3 मोल में एनए मोलिक्यूल 3 NA, और 2 मोल में एनए मोलिक्यूल मतलब एनए से 2 मोल, ऐसे में गलत बोल रहा हूँ, 1 मोल में एनए तो 2 मोल में 2 NA, 1 मोल में एनए तो 2 मोल में 2 NA, 1 मोल में एनए तो 3 मोल में 3 NA, 1 मोल में एनए तो 1 NA, ठीक है। तो बेटा एनए से एनए कट गया, सिंपल रेशियो निकालो, तो बेटा इसके एनए मॉलिक्यूल इसके 3 NA मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसके 2 NA बनाते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो, इसका 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इसके 3 मॉलिक्यूल से और इसके कितने बनते हैं 2 मॉलिक्यूल। क्या बच्चा मेरी बात समझ गए? तो वॉल्यूम में भी वैलिड होती है ये, वो मैं आगे प्रूव करूंगा, ये मॉलिक्यूल में भी वैलिड होती है, मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी रेशियो ले सकते हैं। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? यस ओके। अरे बेटा डबल रिएक्टेंट वाले भी कर दूंगा अभी मैं, लिमिटिंग रिएजेंट का आगे रोल बताऊंगा, चाहे ट्रिपल हो सारे कर दूंगा, ठीक है। एनए से एनए कटा कैसे बेटा? कटा नहीं है, वो सिंपलेस्ट रेशियो लिया मैंने, ठीक है। इसका एक देखो, जैसे N2 के NA H2 के 3 NA मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो एक मॉलिक्यूल कितने से रिएक्ट करेगा? 3 NA/NA, तो कितने से रिएक्ट करा? 3 से। क्या मेरी बात समझे हो? तो एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, उस तरह से सिंपलेस्ट रेशियो लिया। क्या बच्चे क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले। यहां तक लिखे डन बोले, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो बेटा, अभी लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट के मोल गिवन है, ठीक है। जब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि यहां से आपको सोच के चलना, वो भी तक रिलैक्स रहे, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे करते रहे। तो लिखे क्वेश्चन, How many moles of A required to react with 10 moles of B?
moles of A required to react completely with itself? 10 moles of B. B के 10 moles है, ठीक है? तो reaction given है A plus 2B gives 2C plus 3D. A plus 2B gives 2C plus 3D. ठीक है ना? इसमें C और D के कितने बनते हैं ये भी find out करते हैं ना? उसने given है आपको 10 moles. तो A के कितने react करेंगे ये बताना आपको. चिराग बेटा अभी दोबारा समझा देंगे मॉलिक्यूल वाला भी, डोंट वरी. थोड़ा सा आगे क्वेश्चन आएंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी आप बस एक बार लिख लें क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा. सी और डी के भी निकालने आपको, मैं आपको एक से दो मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है? सी और डी के भी निकाल लें. करे बेटा चल. तो बेटा आप देखें बी के गिवन है, ए के निकाल लें, ए का कोएफिशिएंट ऊपर बी से निकाल लें, बी का नीचे इनपुट है तो 5 मोल गिवन है, ठीक है? नाउ सी के निकाल लें तो सी का कोएफिशिएंट ऊपर बी से निकाल लें, बी का नीचे इनपुट है, 10 मोल इज योर आंसर. देख लेना 2 मोल से 2 मोल बनता है, 1 से 1 बनेगा, 10 से 10 ही बनेगी, ठीक है? वैसे देख लेना, ठीक है? D के निकालना है, D का ऊपर B से निकालना है, B का नीचे इनटू 1 मोल 10. ये वाला जो टर्म है पर मोल कितना बनेगा वो बताती है. क्या सारे बच्चों को ये क्लियर हो रहा है बेटा? यस और नो? क्या बेटा इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है, चलो कितना लिखो डन बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देता हूं. दोबारा समझा दो. अरे बेटा सुनो, इसके 10 मोल गिवन है, वो कह रहा है कि कितने मोल ए के चाहिए, इसके 2 मोल इसका 1 मोल से रिएक्ट करते हैं. देखो ना, इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 1/2. तो 10 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 5 से. क्या बेटा मेरी बात समझे नहीं? बेटा इसका कोएफिशिएंट ऊपर रखो जिसका निकालना है, भाई जिससे निकालना है उसका नीचे रखो, इनटू गिवन मोल सब्सटेंस मल्टीप्लाई करो. सी के निकालने तो सी का कोएफिशिएंट ऊपर, बी से निकालने तो बी का नीचे, जिसके मोल गिवन है वो नीचे आएगा और मोल से मल्टीप्लाई करोगे जितने गिवन. डी का निकालना डी का ऊपर, बी से निकालना बी का नीचे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट खत्म, मोल्स गिवन से मल्टीप्लाई. क्या बेटा क्लियर हुआ अर्पित? क्या अर्पित क्लियर हुआ? अरे हाँ या नहीं? चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखे. Thank you.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड, आर ए क्यू का मतलब है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.8 मोल ऑफ 8.8 मोल सी का, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.8 मोल ऑफ सी। रिएक्शन जो आपको गिवन है 2a plus 3b gives 2c plus d plus c। इसके 1.8 मोल बने, इनके मिनिमम कितने होंगे ए और बी के, मिनिमम लिख दो यहां पे तो ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, अदरवाइज आप बस मिनिमम ही निकालें कितने मोल चाहिए ए और बी के। ठीक है, ठीक है, कितने मोल चाहिए ए और बी के कंप्लीटली रिएक्शन हो, कोई लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह ना हो। कैलकुलेट मिनिमम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, बढ़िया वर्ड होगा, बट आप लिख दिया तो करो आप, क्या बेटा कर सकते हो आप, क्या बेटा कर सकते हो, यस और नो? करो ट्राई, मुझे बताओ। बेटा कुछ नहीं करना है, इससे सिंपल क्या ही होगा, दो मोल से दो मोल बनता है, एक से एक बनेगा, 1.8 से 1.8 बनेगा। ठीक है, तो इसके निकालने इसका कोफिशिएंट होगा, इससे निकालने इसका नीचे, इसके निकालने इसका कोफिशिएंट ऊपर, इससे निकालने इसका नीचे। आई थिंक मैं आगे तो नहीं अट गया था, क्लियर है, शायद मैं आगे हो गया था ऐसे, क्या बेटा क्लियर है आपको, यस और नो? दीज आर योर आंसर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अब क्या होता है, अब मैं वर्ड्स की फॉर्म में दे रहा हूँ क्वेश्चन, बैलेंस रिएक्शन भी अब आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब तक बैलेंस रिएक्शन मैं लिख रहा था, फ्रॉम हेयर यू विल राइट बैलेंस इक्वेशन ऑल्सो। y मोल कहां निकाले, y मोल कहां निकाले बेटा, मैंने ये a और b के मिनिमम मोल चाहिए इतने के, 8.8 मोल c का बने, इससे ज्यादा होंगे तो भी बन सकते इतने, एक एक्सेस में हो एक एल आर में। ठीक है बेटा, हुआ एल आर वाला मैं कंसेप्ट आगे बताऊंगा। चलो तो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स यहां से अब बैलेंस इक्वेशन भी आप लिखेंगे और क्वेश्चन भी आप करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ बैठूंगा, वेट करूंगा और फिर करूंगा मैं जब आपका आंसर दे दूंगा मुझे। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे 1, 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन और कराने। ठीक है, तो ये मैं अब आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, वन बाय वन मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में करूंगा, बट पहले मैं कुछ टाइम दूंगा आपको। ठीक है, क्या आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, करें स्टार्ट। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं वेट करूंगा आपके आंसर आने का।
आपके अर्गुमेंट मास हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 ग्राम, बेटा पहले इसको मोल में बदलोगे गिवन वेट को, 2 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कर सकते हो ट्राई? अरे ट्राई कर लोगे, कोई है तो मुझे बताए। इसको लिखो डक बोलोगे करके, दो ग्राम नहीं गलत है बेटा, सृष्टि गलत है, सृष्टि दोबारा ट्राई करो। ईशा ने ठीक निकाला, धृति ने ठीक निकाला, और कोई बच्चा? ईशा और धृति दो जनों का ठीक आया, और कोई कर पाया? तो सुने मेरी बात, मैं स्टार्ट करता हूं, अगला क्वेश्चन फिर आप करना, ठीक है? तो सुने मेरी बात, तो सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखे, 2Ca plus O2 gives 2Cu। आपको दे रखे बेटा 2 ग्राम कैल्शियम, तो कैल्शियम को मोलर वेट से डिवाइड करें, सबसे पहले ग्राफ में काम करें, मोल्स निकालें कैल्शियम के, गिवन वेट है 2, मोलर वेट है 40, तो 1/20 मोल्स होगी। ये काम तो आपको खुद से आना चाहिए था। अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, 1/2/480 कर देंगे, ये भी डिवाइड कर देंगे, नहीं, सिर्फ गिवन वेट बाय मोलर वेट करना, मोल्स निकालने के लिए 2/40 जो कैल्शियम एलिमेंट है वो अलग से निकाल लें, गिवन वेट बाय मोलर वेट 2/40। क्या बेटा इतना कर सकते हो? तो इसके मतलब आपको गिवन है 1/20 मोल, ये खत्म हो जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे, 2 मोल से 2 मोल बनता है, 1/20 से 1/20 बनेंगे, ठीक है? तो ऊपर इसका कोएफिशिएंट बाय नीचे इसका कोएफिशिएंट इनटू गिवन मोल, वही आएगा 1/20। ये बेटा मोल आया किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के 1/20 मोल ही बने। अब वेट निकालना है मोल से, तो वेट निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का, वेट बाय मोलर वेट, मोलर वेट कितना होता है 40 और 16 56, ये बेटा मोल्स के बराबर होता है 1/20। तो यहां से वेट आप कैसे निकालोगे, 56/20 2.8। बेसिकली देखो यहाँ ये आपका स्टेप 1 था, ये स्टोइकोमेट्री आपका स्टेप 2 था, और उसके बाद वेट निकालना आपका स्टेप 3 था, ये स्टेप 3 है।
ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में नोट करना है। सबसे पहले स्टेप वन लिखे, फिर ये स्टोइकोमेट्रिक सिस्टम को कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड के बने वो लिखे, फिर मोल से वेट कैसे निकालना है वो लिखे। क्या बच्चों सबको समझ आ गया? क्या बेटा सबको समझ आ गया? यस और नो में जवाब दे। अरे जिनसे हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या समझ सबको आ गया? सर थर्ड स्टेप में बेटा मोल्स आगे कैल्शियम ऑक्साइड के 1/20, मोल्स आगे कैल्शियम ऑक्साइड के 1/20, तो मोल से वेट निकालने के लिए क्या करते हो? मोलर वेट से मल्टीप्लाई। तो ये मोल है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके इसके मोल आए तो इसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई करो, वो आता है 56। फिर 1/20 × 56 आपका आंसर दे देगा। क्या बच्चों समझ गए? तनिष तनिष बेटा समझे? ठीक है, इसको लिख के डन होने में अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको लेकर डन बोले, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक और, क्या आप ट्राई कर पाएंगे? चलो तो लिख रहा हूं मैं अगला। कैलकुलेट मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ठीक है, व्हेन 5.4 ग्राम एल्युमिनियम, व्हेन 5.4 ग्राम एल्युमिनियम एक्सेस हो, क्या कर सकते हो बेटा? ट्राई करें, दो मिनट का समय। रिएक्शन आपको खुद से लिखनी पड़ेगी और बैलेंस भी करनी पड़ेगी। करो बेटा मैं
20.4 नहीं बेटा, हर सिमरन का ठीक है आंसर, 10.2 इज करेक्ट। नहीं बेटा सुना मेरी बात, मैंने बहुत टाइम दे दिया, सिर्फ एक दो बच्चों के ठीक आए। चलो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखे, 4 AN + 3 O2 = 2 O3, ठीक है। 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकाले, गिवन वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। इसके अगर 0.2 मोल है तो ये कितना बनेगा, तो इसका वेट ऊपर रख के इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, इसका नीचे। 4 मोल से बनते हैं 2 मोल, तो 1 से कितने बनेंगे, 2/4, तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.1। तो मोल्स ऑफ An2O3 फॉर्म, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, दिस इज योर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है, मोल्स ऑफ एयर टू ओ थ्री फॉर्म 0.1 आएगा वेट, 0.1 इनटू मोलर वेट एयर टू ओ थ्री का, 54 + 48 12, अगर 10.2 होगा। कितने बच्चे कर पाए थे हर सिमरन के अलावा, मैंने तो किसी का देखा क्या कर पाए थे, पार्थ का भी आ गया था। अच्छा और कितने बच्चे कर पाए थे, एक बार हैंड रेस करो। 2 ही कर पाए, रिपू 3 कर पाए थे। चलो बेटा गलती तो समझ आ गई, किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ ले। 4, 5 कर पाए थे, विच आर ऑन द सेम ट्रैक, ऐसे ही चल रहे थे बट आंसर तक नहीं पहुंचे थे। अच्छा मनन ने आंसर भेज दिया था, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, 5 4 5 बच्चे कर पाए थे, उतनी जो नहीं कर पाए थे वो एक बार अब नोट करते हैं ना। तो एक दो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे वो मैं अगली क्लास में करा दूं या अभी करा देता हूं। चलो 2 क्वेश्चन दिए थे ना, एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, एक नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में करा दूंगा, टाइम कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन था MgSO4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, बेटा मोलर वेट जो मॉलिक्यूल से निकलेगा और इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। स्टोइकोमेट्री का कोई लेने देना थोड़ा ना, गिवन वेट बाय मोलर वेट को, तो मॉलिक्यूल का ही मोलर वेट लोगे, क्या मेरी बात समझ गए। फिर स्टोइकोमेट्री स्टार्ट होती है, आप यहाँ पे नीचे थोड़ा ना ये 2A4Al का वेट दे दोगे, नहीं, ठीक है। चलो आपको क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो ये दिया था, एक मैं अभी कर रहा हूं, एक नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दे, तो क्वेश्चन कुछ ये दिया था मैंने, व्हाट वेट ऑफ MgSO4, व्हाट वेट ऑफ MgSO4 विल हैव कितने, 9 × 10⁵25 इलेक्ट्रॉन। तो आप एक x ग्राम में मान ले हैं, तो पहले बता एक मॉलिक्यूल MgSO4 में कितना है कंपाउंड में, तो बेटा मैग्नीशियम में हो गए कितने, 12,
मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन बराबर होंगे, ठीक है। सल्फर में पूरा न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर कितना है सम करो, सल्फर में 16, एक ऑक्सीजन में 8, तो चार ऑक्सीजन में 32, 16 32 16 48 48 और 50 और 10 60 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या बेटा इतनी बात समझे हो अभी, यस लो, क्या बेटा इतनी बात समझे हो अब, हाँ या नहीं कि 60 इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे निकाला पूरे मॉलिक्यूल में। आयन में निकालने का अलग तरीका है, नेगेटिव चार्ज तो ऐड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। बेटा डीपीपी के लिए आपको अलग नोटबुक लगानी है, यह बात मैं बता चुका हूँ, नहीं बताई तो आप सुन लें। डीपीपी और मोर ड्यूल के लिए आपको अलग नोटबुक लगानी, नोट्स में नहीं कर दो, ठीक है। तो चलिए अब एक्स ग्राम है मोलर वेट निकालें, SO4 का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फेट का होता है 96, देखो छोटा पड़ गया सल्फेट का, याद करते 120 गिवन वेट बाय मोलर वेट, इसको Na से मल्टीप्लाई करा तो आगे मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 60, ये आगे टोटल इलेक्ट्रॉन, और ये किसके बराबर है, क्या बेटा ये स्टेप समझ आया, ये अब ऑब्जेक्टिव में तो आप ऐसे ही करोगे, इतना थोड़ा ना एक लाइन लिखोगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट मोल्स, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 60 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए। क्या बेटा मेरी बात समझो आप, यस और नो, इज इट क्लियर, एक बार सब लोग जवाब दें, इज इट क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो यहां से अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x by 120 into n by 6 into 10 to the power 23 into 6 is equal to 9 into 10 to the power 25, तो इधर तो 10 की पावर 2 बचा, यानी 100 बचा, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, तो 200 बटा 3 100 ग्राम, कितने बच्चों ने यही करा था, एक बार हैंड रेस कर दो, कितने बच्चों ने यही करा, काफी बच्चों ने करा था, 7, चलो ठीक है, जिनसे नहीं हुआ था वो नोट कर ले, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप अपनी डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं पूरी, है ना, इसका डिस्कशन भी मैं बता दूंगा। डीपीपी के लिए आपको अलग से नोटबुक बनानी है, डीपीपी और होल्डिंग होती है ना, क्लास नोट्स में नहीं करोगे, के बेटा आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट है यस और नो में पूछे, और फिर मैं क्लास खत्म करूं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर वो बेटा मैं कल की क्लास में आके सॉल्व भी पूरा करने वाला हूं, डोंट वरी। नहीं बेटा मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, वहां पे आपको होमवर्क सेंड करना, पर्सनल पे आप अवॉइड करें, अभी एक दो दिन ले लें, दो दिन में पूरी डीपीपी करें, फिर मैं मंगाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास।